fundamentally independent candidate, GB Assembly, 6 के लिए मुद्दा से राजा साहब हमने मेरी एकेडमिक्स आपके सामने एजुकेशन मैंने करकटकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया और पॉलिटिकल कैरियर वही सेम यूनिवर्सिटी में मैं प्रेसिडेंट था स्टूडेंट फेडरेशन का 11-12 और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू उनका का था मैं 2015-17 अब सबसे माजरत के साथ मैं नहीं किसी भी नौजवान को वो चूंकि कुव्वत होती है ना रिटायर करने का एक मकसद होता है वो एनर्जी खत्म होती है कैपेसिटी नहीं रहती है फिर इधर क्यों आते हो नाराज नहीं हो रहे ठीक है सबसे तो खुदा के लिए आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे अपन अगर आपको इतना शौक है तो हमारा साथ दें ठीक है आप बने हमारी कुव्वत बने हम आपके लिए काम करें हम लड़ भी सकते हैं हम चोट खा भी सकते हैं रो भी सकते हैं फरियाद भी कर सकते हैं पीट भी सकते हैं ठीक है स्पेशल यूथ देखे ये जरा सीनियर सिटीजन इस हॉल में कितने हैं आप कितने हो पावर आप में है आप हमें वोट दें इंशाल्लाह बल्कि आप हमें वोट दें नहीं आप हमें सुने हमारा विजन देखें इंशाल्लाह हम अपने सोशल मीडिया पेज पे ये पूरा अपना विजन अपना क्योंकि मैं जरा फोकस करूंगा की फोकस एरिया हमने रखे हैं अब चूंकि पहली बात तो यह है कि एक अलमिया है कि हमें अपनी इस पोजीशन का इसकी प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मैंडेट क्या बनता है हमें ये नहीं पता ये अलमिया है हम ये समझते हैं कि ब्रिज बनवाना कलवेट बनवाना ट्रांसफर करवाना जॉब्स में भर्ती करवाना ये तमाम जो चीजें इसके अंदर आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे इसका मैंडेट इस पोजीशन का मैंडेट है लेजिस्लेशन इस पोजीशन का मैंडेट है ये तो पहले उसके बाद अब चूंकि कमजोरी ये है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यूनियन काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने ना होने की वजह से इसका एक मकसद है क्यों ये इलेक्शंस नहीं होते तो वो जो काम है वो या जानबूझ के इसमें डाला गया है या जबरदस्ती से धोखा गया है तो ये कुछ चीजें अब जिम्मेदारी में आती है वो चीजें ना होने की वजह से वो पोजिशन ना होने की वजह से उसके बाद हमने रखा हुआ है एनर्जी एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी एनवायरमेंट ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस और स्पोर्ट्स एंड कल्चर लास्ट में अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वुमन एम्पावरमेंट टॉप पे रखा है सबसे पहले उसकी वजह यह है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट हमारी खवातीन सबसे ज्यादा ग्राउंड में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारी खवातीन एजुकेशन हमारी खवातीन है चूंकि हमारी खवातीन हमने देखा हमने सुना बहुत सारे मसाइल के शिकार हैं हमने इनको इनको आज़ादी मिली है या इन्होंने ली है ये चैप्टर अलग है लेकिन इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसके लिए लेजिस्लेशन में हम इंशाल्लाह सबसे पहले खवातीन के लिए लेजिस्लेशन इसमें आप जो वर्किंग हमारी खवातीन है उनके लिए चैलेंजेस हैं हेरेसमेंट्स हैं अच्छा उनके हक पे डाका डाला जाता है बहुत सारी चीजें उसमें लेजिस्लेशन होगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी हेरेसमेंट लॉ इस पर चूंकि ये ला बनी हुई है इस पर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है न खवातीन को इस बात का इल्म है इस पर कम होगा और माइनिंग एंड मिनरल्स ये जो हमारे पास माइनिंग एंड मिनरल्स है वो हमने सिक्योर करने हैं ये इनको हमने अपना असासा बनाना है और इन पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है वो इख्तियार अलग से उठा के हमने इधर अपने पास ले आना है और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स है पुलिस रिफॉर्म्स में
बहुत सारी चीजें हैं, लूप होल्स हैं जिनको फिल करने की जरूरत है, लेजिस्लेशन की जरूरत है। टूरिज्म पॉलिसी है, ये टूरिज्म है, ये जो बेहंगम टूरिज्म, इसको हमने एक डायरेक्शन देनी है, इसका एक तरीका बनाना है, इसका एक सिस्टम बनाना है, उससे बढ़ के एक चीज यहाँ मिसिंग है। तो आपने देखा होगा कि कंटिजेंसी और वॉलंटियर जॉब, कंटिजेंसी, फिक्स पे और इस तरह के टेम्पररी जॉब्स, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, बैरक्रेट अपने रिश्तेदार, अपने रिलेशंस के बिहाव पे मतलब उनकी इंजेक्शंस करवाते हैं, इंजेक्शंस करवा के फिर ग्रेजुअली कोई निजाम बना के इलाके से आगे उनको परमानेंट किया जाता है। तो ये एक अनफेयर नीम है, इसको हम स्ट्रीमलाइन करने जाएंगे। इसके लिए बाकायदा लॉ होगा, जिस जिस डिपार्टमेंट में, जिस जिस एनजीओ में जिस तरह के जॉब्स हैं वो पब्लिक हो जाएंगे, उसका टेस्ट इंटरव्यू होगा, इसका प्रॉपर निजाम होगा। और इसके बेस पे मैंने बहुत सारे स्पेशल खवातीन को मैंने हैरस होते हुए देखा है, बहुत सारी कहानियां हैं, इस पर काम होगा। और टाउन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन बहुत लाजमी है। अब आप देख रहे हैं कि कंक्रीट जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये टूरिज्म के लिए, होटल्स वगैरह और घर वगैरह किराए पर घर देने के लिए, मतलब हम अपने जो जमीनें अपनी जमीनें हैं दरख्त काट के सत्यानाश करके रेंडम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसको हम अपने इस क्या कहते हैं जो लैंडस्केप है अपना, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए टाउन प्लानिंग में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए एनर्जी हमारा बड़ा इशू है, बहुत सारे क्राइसिस हैं। ये जो 32 मेगावाट का जो आगे इसकी जो बात चल रही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी इंशाल्लाह, इसके लिए हम काम करेंगे। जो एग्जिस्टिंग, असल क्या होता है कि जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो एग्जिस्टिंग जो काम हो रहे होते हैं उनको नेगलेक्ट किया जाता है। हम सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको फोकस कर लेंगे, उनको पैर तकमील तक ले जाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मोड है, जो तरीका है उसमें, और उसको आगे बढ़ाते हुए एक्सटेंशन ऑफ एरियल बेंच केबल। किसी ने नाम सुना इसका, एबीसी केबल, किसी ने नाम सुना हो तो, जो ये टाउन्स में जो तारे लगाई गई है रिबन वाली, उसको कहते हैं, वो जरा बेहतर लगता है, उसके कट के शॉर्ट सर्किट वो जो चीजें हैं वो नहीं होती है, लाइन लॉसेस नहीं होती है, इसको पूरे मुंजाने इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। मैं सबसे कह रहा हूँ ये कैंडिडेट से बहुत सारी बातें चल रही है बाहर कि कोई गलती से भी ना आए कि मैं सरेंडर करूँ, और दूसरी बात मैं लगूँ और आपके साथ हूँ, आपका दो वोट भी मुझे पड़ता है तो मैं आपका गुनाहगार हूँ अगर आपको छोड़ चला जाता हूँ, मैं इधर ग्राउंड पे काम करूँ। थैंक यू। इवेंट को, इस बेहतरीन सेशन को, इंटेलेक्चुअल डिबेट को, कई नकात को मुमकिन बनाया तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन हमारे दरमियान तमाम सेक्टर के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लीडरशिप है, उलमाए कराम हैं, और तकरीबन पूरे हमजा के लोग हैं, तो मैं आप सबकी खिदमत में आज अस्सलाम वालेकुम। यकीनन चूँकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और अकेडमिक करियर मेरी इब्तदाई तालीम गुजरात से शुरू हुई और 8th के बाद मुझे कराची भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और आखान स्कूल गार्डन से मैंने मैट्रिक की, एफएससी मैंने इस्लामिया साइंस से, और फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर्स की। उसके बाद 2003 में इधर अपने इलाके आया और रेडियो पाकिस्तान गिलगित में मैं एज ए प्रोड्यूसर काम करता रहा। उससे पहले मुझे 6 महीने में आ खान डायमंड जुबली स्कूल यानी एक एस में सोनीकोट स्कूल में भी कुछ अच्छा 6 महीने टीचिंग का भी मौका मिला, हाई स्कूल के लिए रखा लेकिन क्लास 2 के इंग्लिश पढ़ाना मुझे दिया। उसके बाद मुझे अल्लाह ने मौका दिया आप सबके दुआओं से
मैं गिलगित बल्तिस्तान के कैबिनेट डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ अफसर टू चीफ में डिप्टी चीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव रहा और तकरीबन 7 साल मैंने वहाँ खिदमत करने के बाद सर्विस कर नौकरी करने के बाद खिदमत भी कह सकते हैं बस लात मारे गए और हम किसी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा बने। ये तो थी हमारी तमाम कैरियर। यकीनन चूँकि आज ये फॉरम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए और उसको हमने आपने और मैंने सीरियस लेना चाहिए और सीरियस डिबेट की तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आज का दौर और आज का तकाजा ये मीटिंग हुई तो एडिशनल सीट 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में माजी तारीख गवाह है 900 साल से हम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बैठे हैं अपर हुंजा सेंटर हुंजा लोअर हुंजा। आज का जो ये डिलिमिटेशन की बात करते हैं 2004 में इसमें हुंजा को दरमियान से काटने की बात हुई है जिसको हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि दरमियान से काटने के बाद उनको दोबारा जोड़ना फिर 40 साल तक जदोजहद करना ये मुमकिन नहीं है। 3 सीटें हमें मिलनी चाहिए अपर को सेंटर को और लोअर को ताकि हिसाब से महरूमी का खात्मा हो डेवलपमेंट उसके साथ होते रहेगी तो ये हमारा सेंस है। उसके अलावा इंतहाई अहम है हम सारे बात करते हैं अस्पताल नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है हमारे 6% की बहन बेटियाँ आती है सी सेक्शन का सहूलत नहीं है डिलीवरी के दौरान क्या भयामत देखते हैं हम तो मेरे भाई बात है उसके लिए रिसोर्सेज है रिसोर्सेज एक एम एन ए फैक्टोरियम में से कोई भी मानता ये लेजिस्लेशन के लिए जा रहे हैं ये तुल करवट के लिए थोड़े जा रहे हैं ये तो लेजिस्लेटर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहे हैं इनका काम है कानून साजी करना इनको किसने कहा कि तुम करवट और तुल बनाओ। मेरे भाई तुम्हारा 6 करोड़ एक एमएनए को आप जो पाया लाओ 2 पाए पे लाओ सर के बल उसको लाओ डिंगे करो 6 करोड़ उसको मिलना है वो जैसे भी आदमी हो उस 6 करोड़ से आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी। तो मेरा कहना है क्या आपने अल्टरनेट पे जाना आप इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आप एससी पे के गेट पे तो मेरी तजवीज ये कि इसके लिए किसी नवाज शरीफ का वजीर आजम होना जरूरी नहीं है जो हम बताएंगे कि मेरी हुकूमत आएगी लंदन से मेरा कायद पहुंचेगा इस्तकबाल करूंगा इंतखाबात होंगे खलाई महफूज से जान छुड़ाऊंगा उस वजीर आजम के काम करूंगा नहीं ये ड्रामा है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि फर्ज करें हमारा हमारे पास एक बॉर्डर लगता है हुजरा बॉर्डर जो एक सुपर पावर चीन के साथ लगता है मैं आपको एक फिगर बताने जा रहा हूं कि फर्ज करें 1 अप्रैल से नवंबर 30 तक ये बॉर्डर खुलता है उस दौरान सरकारी शुमार है जो ज्यादा होंगे मुझे लगता है ये कम है 1700 कंटेनर आ रहे हैं यानी जो बड़े बड़े चाइनीज कंटेनर नहीं आते हैं 1700 एक साल में आते हैं और उस 1700 कंटेनर से जो सरकार को जो रियासत को जो एफबीआर के जरिए रेवेन्यू जा रही है वो तकरीबन एवरेज जो इनकम है वो 10 अरब रुपए 1700 कंटेनर का 10 अरब रुपए है और आपको मतलब हमें हैरत भी होती है हमारे अपने ऊपर यहाँ से कोहिस्तान डेवलपमेंट फंड का 1% कटता रहा 10 अरब में से अगर 2% बॉर्डर कम्युनिटी के डेवलपमेंट में खर्च हो तो वो बंदे 20 करोड़ क्या अगर रियायत करते हैं वो कहते हैं 2% बहुत ज्यादा 1% दे दो तो 10 करोड़ जब सीपैक बढ़ेगा तो हम मेरे ख्याल से 80 करोड़ 1 अरब रुपए की प्रोजेक्ट ला सकते हैं हम उसकी तरफ क्यों नहीं जोर देते हैं ये मैं और आपकी ताकत से बन सकता है किसी नवाज शरीफ के सरदारी का वजीरा बनने की जरूरत ही नहीं या तो हमारी पहली तरजीह होगी कि इस बॉर्डर से जो रेवेन्यू आता है उसका 2% वरना 1% हमारे बॉर्डर कम्युनिटी के डेवलपमेंट में खर्च हो। इसके साथ बॉर्डर ट्रेड में जो क्योंकि हम बेरोजगार इस हाल में बैठे हुए मेरी बहन बेटियां मेरी अपनी बेटी भी इधर कहीं बैठी होगी किधर खपाएंगे भाई और नहीं है इनबिलिटी में वर्क चार्ज और कुली का पोस्ट क्या कर लेंगे आप या कर लेंगे मेरे मास्टर और पीएचडी के दोस्त वो रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है तो आपको अल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा और तुम्हारे पास सोने की चिड़िया है बॉर्डर अरबपति बन गए वहां से दो दो अभी सुबाई वजीर भी उधर से है तो मेरी तजवीज होगी मैं इस पर कोशिश करूंगा इसके लिए किसी की वजारत कि हम बॉर्डर ट्रेड से टैक्स में रिलैक्सेशन या एक्सेप्शन मांगेंगे फर्ज करें उसमें होता क्या है कि इसमें 4 किस्म के टैक्स लगते हैं फर्ज और कस्टम ड्यूटी है वो प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करता है फिक्स जो है वो सेल्स टैक्स है 17% बॉर्डर कम्युनिटी का यहाँ है जिसको एग्जेम्प्ट करें एडिशनल सेल्स टैक्स है 3% यानी 3% और इनकम टैक्स जो नॉन फाइलर्स है हमारे पास जो जितने भी बिजनेस अकाउंट वो ज्यादातर नॉन फाइलर्स हैं तो उनको हम 11% के रिलीफ देंगे 31% का अगर हम रिलीफ लेंगे इस बॉर्डर से हमारे और आपके बच्चे कारोबार करेंगे तो बताएं कि हम गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान को यहाँ से सप्लाई नहीं कर सकते
क्योंकि सस्ता आएगा, हमारे रोजगार में इजाफा होगा, हम अपने बेनिफिशरीज बनेंगे और उसको भेज देंगे। तो आपका टाइम इसमें कम जाया। राय साहब ने सिस्टर सिटी की बात की है, बहुत प्यारी बात। वन मिनट मोर सर। सर थोड़ा सा टू मिनट्स मोर सर। पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में प्रेजेंट सिचुएशन आपको क्या, आपको बताओ मैं जय की 4.5 आप हाइड्रो से ले रहे हैं, 4.5 आप हाइड्रेट से प्रोडक्ट आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, 1 मेगावाट का आपको थर्मल से मिल रहा है, जनरेटर से डीजल जला के, जबकि आपकी जरूरत इस वक्त जो है गर्मियों में 9 मेगावाट है, और सर्दियों में चूंकि वो बढ़ जाता है, हम एक्सट्रीम पर रहते हैं, तो 11 मेगावाट की जरूरत, यानी 70% आप शॉर्टफॉल में मिलते हैं। अगर हम इसमें मेहनत करें, इसी नवाज शरीफ के वजीर आजम किए होते हुए बसों में 2 मेगावाट का FW के साथ एग्रीमेंट हुआ है, थोड़ा सा मैं और आप जदोजहद करें, सिविल सोसाइटी के लोगों को एक रुमाल को शामिल करेंगे, तो इसको हम 2 साल का प्रोडक्शन बना सकते हैं। 4 साल में 1 मेगावाट आधा कम हो चुका है, तेज कराना है, वरना बिजली जलाने के लिए तो शेयर होता है, मिस करके बिजली के लिए किसी ने अलियाबाद में करे, गरीबाबाद में गुरकिन में कहीं और एहतजाज नहीं हुआ। तो ये चीजें हमारे पास है, हमें विंड की तरफ जाना चाहिए, तूफानी हवा चलती है, भूजाल वहां से 10 मेगावाट करके पूरा हमजा को रोशन करेंगे। शर्मिंदा है कि नगर में बाद में बिजली आए, आज वहां रोशनी है, और इमाम की दीदारी में भी हम बिजली उधार वहां से लेते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये इंडस्ट्री जिसे मैं फख्र से कह सकता हूँ, आज आप इंटेलेक्चुअल फोरम में बैठे हैं ना, इसमें इस अदना कारकुन इस जमात का कलीदी किरदार है, और आज आप हम पे फख्र करें कि ये खराबपुर यूनिवर्सिटी का तोहफा भी हमने दिया है। तो इंशाल्लाह ये कैंपस नहीं ये हुंजा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसका अपना वाइस चांसलर होगा, क्योंकि इस पर नावार का पॉपुलेशन सब्जेक्ट और रिलेवेंट सब्जेक्ट जानते हैं, उनको करना चाहिए, सोशल साइंस को प्रमोट करें, खवातीन अपनी बेटियों को घर में रखे, उनको मोबाइल के रिपेयरिंग से असेंबलिंग करें, अगर हम प्रोडक्ट प्राइवेट से बात करें तो उनको प्रोडक्ट इधर लाके असेंबलिंग करेंगे, रोजगार हमारे दरवाजे पे, तो ऑप्शन ये भी मौजूद है, इस पर हम काम करेंगे। इसके लिए विकसित नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं है। Last 1 minute more, sir. अच्छा, natural resources का जो बातें हुई ना, कब्जा मार लिया FW ने, फौजी है, बड़ा बूट पहन गया था, डर जाते भाई, शरीफ लोग भी उनके पास, कलाशिकोव भी उनके पास है, तोप भी है, F-16 भी है, कब्जा करके बैठा है। नासिराबाद वाले 20 साल से लड़ रहे हैं भाई, कम्युनिटी लीजिंग करें, खैबर ने मिसाल दिया है, आप अपनी कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन अपने पहाड़ों के अपने रिसोर्स को अपने नाम पे लीज करके मर्जी से ऐसे करके मर्जी से दे दो, ये भी आसान है। टूरिज्म का आप वन विंडो ऑपरेशन करें, आपने अल्तित बुरज झील हुसैनी ब्रिज और इनके अलावा किसी को नहीं पता है, नासिराबाद में जाए ऊपर हुसैनाबाद के ऊपर एक दास है, मैं गया हूँ, कितना खूबसूरत है, वहां रोड निकले तो टूरिज्म का बहुत सारा पोटेंशियल है जिनको एक्सप्लोर करने का। सर कम्युनिकेशन, ये एसकॉम जो कब्जा माफिया है ना, जिसकी बदमाशी और जारादारी है, इसके खिलाफ लड़के हमने आपके साथ मिलकर अकेला नहीं, फिर हमें इस रास्ते में ना छोड़ेंगे नहीं, आप इस तरह काम कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बेटी, बात ये इसी पे, ये किस चिड़िया का नाम है अभी आज तक नहीं पता चला, स्ट्रॉन्ग वॉइस बनना। मेरे होनहार स्टूडेंट्स, जो हमारे मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं इनसे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं ये ज़ाती होगी अगर मैं इससे प्रोग्राम के जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जो आइडिया पेश किया है, उनकी मैं अगर अप्रिशिएट न करूँ। इलेक्शन हमारा ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसके पीछे कई इंटरनेशनल रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, खासतौर पर ये जो CPEC जो बन रहा है, जिसके गेटवे पे हुंजा वाका है, उस पे हमारे जो हमजाया जो मुल्क है चाइना के, बड़े उसके मुफादात इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो अपने उस जो हैवी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में इसकी के अंदर जो कर रहा है,
उसकी वो लीगल प्रोटेक्शन चाहता है। पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान का रिश्ता किस तरह का होगा और किस तरह पाकिस्तान के साथ इसका इलहाक होगा और उसमें क्या मामला तय होंगे, ये इस असेंबली ने, आने वाले असेंबली ने तय करने। हम ये याद देखना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान 1947 को इन्होंने के रिवोल्ट के जरिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और उसके नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर से इसका जोग्राफियाई कनेक्शन टूट गया और यहाँ के बहुत दो राजाओं ने और गिलगित के जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने एक गैर मशरू अनकंडीशनल पाकिस्तान के साथ इलाहाब का एक फैसला किया और जिसका खामियाजा आज हम बहत्तर सालों से भुगत रहे हैं कि किस तरह जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट इससे खिते के साथ यहाँ के इंसानी हकूक के हवाले से, यहाँ के जमहूरी हकूक के हवाले से, यहाँ के पोलिटिकल हकूक के हवाले से किस तरह हमारे साथ ट्रीट कर रही है वो आप सबके सामने है। तो आज एक और टर्निंग पॉइंट है 47 के बाद, वो इस असेंबली से, आने वाली असेंबली से इन्होंने फैसला कराना है। उसमें मैं ये समझता हूँ अगर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ने इससे सारी सिचुएशन को सामने रख के और इस तारीखी सूरत हाल को सामने रखते हुए सही फैसला नहीं किया और सही अपने कैंडिडेट सामने नहीं लाया तो हम फिर शायद 7-8 दहाइयां या उससे भी ज्यादा हम एक गुलामी की नई शक्ल में फंस जाएंगे। तो इस पस मंजर में मैंने एक अपना जो नुकता नजर अपनाया है इस इलेक्शन के हवाले से वो मेरे 40-42 साल पॉलिटिकल एक्टिविज्म की जो तजुर्बात है उसका एक नचोड़ भी आप कह सकते हैं। बात यह है कि आज जो मुख्तलिफ पार्टियां आज इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही हैं, जो तवातुर के साथ 1994 से यही पार्टियां या इस खत्ते में पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और मुख्तलिफ हुकूमतें बनाती आ रही हैं, लेकिन इनका इन इंतखाबात के जरिए आने वाली पार्टियों ने, इन इलेक्शन के जरिए बनने वाली हुकूमतों ने कोई जो यहाँ के सोशो इकोनॉमिक सूरत हाल में यूथ के इशूज पे, तालीम के इशूज पे, सेहत के इशूज पे, यहाँ के फंडामेंटल राइट्स के इशूज पे, यहाँ के आवाम की अपने मामला चलाने में खुद मुख्तारी के इशूज पे कोई किरदार इन पार्टियों ने अदा नहीं किया। तो इस लिहाज से आज जरूरत इस बात की है, जो मेरा नुक्ता नजर है, वो पावरफुल असेंबली, वो पावरफुल इदारा, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इदारा, यहाँ के जो मामलात है, यहाँ के जो वसाइल दौलत है, जो यहाँ के मदनियात है, यहाँ के रिसोर्सेज है, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी जद्दोजहद के जरिए। उसी तरह जो इलेक्टों का जो नुमाइंदा वो खुद मुख्तार नहीं होगा, वो अपने आजाद नहीं होगा, बल्कि उस इलेक्टेड असेंबली के सामने अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा। तो इस तरह ये असेंबली जो है, ये जो और वो जो इलेक्टेड नुमाइंदा मिल के जो आवाम के बुनियादी हकूक है, जो आवाम के माशी, समाजी, तालीमी हकूक है, अपने कौमी, अवामी और इलाकाई जो मुफादात है, माशी, सियासी, समाजी मुफादात है, उनको प्रोटेक्ट करते हुए, उनको सामने रखते हुए अपने नुमाइंदे के जरिए वो हम अपना पैगाम उस असेंबली के जरिए अपने हुक्मरानों को दे सकते हैं। ये है जो एजेंडा है। इस तरह की सूरत हाल आप करेंगे, इस तरह के डेमोक्रेटिक इदारे, विलेज काउंसिल, अवामी असेंबली का जो फार्मूला आप दे देंगे, उसका अल्टीमेट नतीजा जो गिलगित बल्तिस्तान के देने का संकेत है, वहाँ के अवाम को भी इसका एक पैगाम जाएगा, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। वहाँ की सियासी हकूक की जो महरूमियाँ हैं हमारी, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल हमारे वसाइल से वाबस्ता है, हमारे मादनियात से वाबस्ता है, जो हमारे दौलत के वसाइल है,
उनसे वाबस्ता है, उनको मल्टीनेशनल्स के हाथों एक्सप्लॉइट होने से, उनको उनकी रूटमार से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट मामला क्या छक छक करके आप एयरलाइन जा रहे हो, बैग ले लो जहाज तो बैठो इस्लामाबाद में, तो सारे उत्तर प्रदेश उसने उसी को वोट किया जगह एयरपोर्ट बनाया जाता है। यह सारा सियासी खेल है, इसके बाद मेरा काम शुरू होता है। सब सियासी खेल है ये, लेकिन बल्तिस्तान लेजिस्लेटर की असेंबली नहीं है, लेकिन बल्तिस्तान असेंबली है, यहाँ लेजिस्लेशन नहीं होती, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पंजाब की तहसील की असेंबली होती है, उसका पूरा फंक्शन होगा। हमजा की जहां तक बात है, सुबह के साथ सेटअप मिलेगा, हमजा के सेटअप मिलेगा, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का आपको सेटअप मिलेगा, जहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल होगा, जो अलीबाग में होगा, अलीबाग का जो 20 बेड का हॉस्पिटल होगा अलीबाग में होगा, अलीबाग वाला 10 बेड का हॉस्पिटल गुरमित होगा, और गोविंद वाला 10 वाला जो है वो सोच में होगा, और शहर की तरफ भी जो फर्स्ट के सेंटर है वो 10 बेड का होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट सेटअप के अंदर ये मौजूद है और इसी पर हम लोगों ने काम करना। दूसरी बात यह कि यहाँ कैंपस से जब मैं सोचा था तो 2000 बच्चे बचे होंगे, यहाँ तो 500 से ज्यादा ही है। ये कैंपस से जो है मूर्ख वो हमारे कॉलेज है, कॉलेज को कई वर्षित करेंगे और इसमें भरपूर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना फंड हो चुका है, यहाँ पे कैंपस बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सच्ची बात यह है कि आप जो मसाइल है, बिजली का मसला है, कौन नहीं जानता। मैं एक मिनट का आप हमें मेरे बच्चों बताता हूँ, छिनाके करो खोलना है, नासिरबाद पट्टा करना है, नासिरबाद का जो एग्रीकल्चर का पानी है वो या दरिया से निकालना है या मुर्जाबाद से नगर से लाना है, मुर्जाबाद का जो आज की दुर्बार कहते हैं वहाँ पर कोई पैर बिछाना है, अलीहाबाद के पानी का बंदोबस्त करना है, हैदराबाद गैराबाद के पानी का बंदोबस्त करना है, एक छोटा सा एक्सकेवेटर ले जाकर नाले में रखना है, जफरा का हटाएगा फिर पानी फ्लो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये तो होने वाली चीज़ें आम उस पर। और जो टूरिस्ट वाली शिक्षा की सड़कें हैं वो थोड़ा सतर्क करना है, टूरिस्ट से खोलना है, उनको पकड़ करना है, तो जब हमें डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो ये सारी चीज़ें सुबह के अंदर डिस्ट्रिक्ट को मिल जाती हैं, उनको हमें हासिल करना है। इतना था मेरा महसूस। रही बात सियासत की, मेरा नाम रफी अहमद है, मैं प्रोफेसर ग्रेड 20 में रिटायर हुआ, 11 साल में एथिक हुआ, मिडिल पास ही किया था, प्राइवेट मैट्रिक की इंटर भी किया, बीए भी किया, मुल्तान से एमए भी किया, 6 नौकरियां की छोड़ दी, 7वां नौकरी किया और वहां से भी मैं 25 साल में रिटायर हुआ। एक अरसे से मेरे जहन के अंदर एक पीर था, दर्द था, दुख था, काश ये अगर नौकरी न करता तो आज मैं शायद बड़ा मिनिस्टर होता, लेकिन नौकरी ऐसी अट्रैक्टिव चीज होती है और खास करके जब उस्ताद अपने नौजवान तलबा के साथ इमाम करता है तो उनको छोड़ के बाहर जाने का दिल नहीं करता। मैं खुद उसमें हूँ, इस वक्त तो मेरे 30 स्टूडेंट्स हैं जो मेरा मुकाबला कर रहे हैं, मुझे ये भी था कि 60 साल से ऊपर के रिटायर्ड बंदों को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, खुशकमती से मैं 60 साल का नहीं, मैं खास कर लीडर जो बनाते हैं, लीडर 50 का भाई, मेरे दो बाबा करते हैं 50 का, अल्लाह इन्हें 40 का बना दे। दूसरी बात यह है कि उस्ताद जो होता है वो लोगों की जहनों की नशोनुमा करता है, आजकल नौजवानों के अंदर जहनी इज़्तिराब थोड़ा ज्यादा है, उनको ऐसे रास्तों पर डालने की जरूरत है जो सच्चाई और हकीकत पे जो चल सके और अपने आप को ऐसे भंवर से निकाले जो सियासी भंवर है, जो बेरोजगारी का भंवर है, जो गलत सोचों का भंवर है, जो अफरा तफरी का भंवर है, नौजवानों को इन भंवरों से निकालना है ताकि वो अपने हकीकी जद्दोजहद अपने इलाके के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बल्तिस्तान के लिए और अपने मुल्क के लिए कर सके। यहाँ पे बिजली की बात करूँ तो सरासर गलत होगा, मेरे दोस्तों ने एक एक पाई डाली है, आखिर में प्रयोग जरूर होगा, कोई सियासतदान है, पुराना सियासतदान, कोई खानदान है, कोई कारोबारी है, कोई वोटर एक्सपोर्टर है
और कोई एनजीओ से रिटायर्ड है, हर बंदा कामत है, खुशकिस्मत है कि हर बंदा अपना अपना हिस्सा डालेगा तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। वेरी वेल, व्हाई शुड यू वोट, ये लिखा हुआ है, इसलिए मैं आया हूं। मैं उस्ताद हूं, मुझे वोट दोगे, सारे आवाम से कहता हूं, बिकॉज टीचर्स आर लीडर्स, यूनिवर्सल चीज है। मैं दावा कर सकता हूं उस्ताद जैसा मेहमान अच्छा सच्चा मतलब कोई नहीं हो सकता। वोट मुझे ही देंगे, याद रखना। मेरे तो खालिदीन सर मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन उस्ताद होने का शब्द सिर्फ मुझे ही आ सकता है। और इंजन में मैंने 30 साल पढ़ाया, बाकी दिल्ली में पढ़ाया। जो उस्ताद होने का इज्जत है वो किसी और शोबे में नहीं, क्योंकि आप इससे बहुत सारे मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं। एक लड़का मेरे पीछे गुजर कर रहा है, ये भी मेरा शागिर्द है, तो थोड़ा फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए थोड़ा मैं आपके साथ फ्रीजी हो रहा हूँ कि मैं जब क्लास देता था बच्चे बोर होते थे तो बीच में चंद एक बातों में बताता था तो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी, फिर एक्टिव हो जाते थे और मेरा लेसन ज्ञान हो जाता। मुझे जगह जगह से फोन आ रहे हैं मेरे शरीरों के जरिए गाड़ियाँ डायरेक्ट मुझे भी कि सर आप ये कहना कि कितनी गाड़ियाँ चाहिए, कितने पैसे चाहिए, फलान फलान। और ये लोग तो मुझे खामोखा लीडर ही बना देंगे मुझे लगता है, वरना जनाब मुझे बगलों में रुपये लेके फिरना पड़ता था। ऐसा नहीं होगा मुझे लेते बना के बैठे, क्यों क्या सारे मेरे बच्चे हैं। जब मुझे मौका मिलेगा तो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, उनके ऐसे मशाले में लगा दिया जाएगा जो इल्मी होगी, फनी होगी और आर्टिस्टिक होगी। हमारे हैदराबाद किसी चीज में पीछे नहीं है। उनजा के खवातीन और हजरात दुनिया के बलंदरी चोटियों से लेकर दरियाओं से लेकर फुटबॉल से लेकर क्रिकेट से लेकर तमाम दुनिया के हुनर से लेकर पीएचडी से लेकर हर मैदान में आगे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हमारे हमजा के बाद हजरात बेकार, ये नहीं, आपके अंदर हमजा वालों का ब्लड है जो आपको कहीं पीछे हट नहीं देगा। आप जिस चीज को हासिल करेंगे आगे बढ़ेंगे, आप हासिल करके आगे बढ़ेंगे। दुनिया में वो मर्द हजरात इतने एडवेंचरस नहीं कि हमारे सामने बिग बैंग की तरह माउंट एवरेस्ट जैसे नामुमकिन पहाड़ हो सके। शेरबाद जैसे हमारे भाई जो बड़े ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट और दूसरे बलंदरी 8000 मीटर से बलंदरी पहाड़ों को क्रॉस कर सके। तो मेरे दोस्तों उनके टाइम महदूद है, मैंने सुना ये अच्छे खासे सवाल मेरे सामने आ सबके खिदमत में दिल की गहराइयों से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ ही माजरत भी चाहूँगा कि स्टेज अवे कल मुझे फ़ोन आया शाम को, मैं इस्लामाबाद में था कि आपने हर सूरत में 12 बजे तक यहाँ पर हाजिर होना है। इस हवाले से ऑल द वे इस्लामाबाद से हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए भी थोड़ी सी देरी हो गई आने में, चाहेंगे। साथ ही मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये इंटेलेक्चुअल डिबेट है और आप सारे इंटेलेक्चुअल यहाँ तशरीफ फरमाएं। एक दो चीजें मैं गुजारिश करना चाहूंगा और साथ ही मैं ताजिद साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, इसको कंपनसेट करते हुए अगर मुझे 2 मिनट दे सकते हैं तो आज मेरे। अच्छा, इसी के साथ ही जो अर्ज मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये, डिबेट इस तरह की डिबेट्स में इंटेलेक्चुअल और एडवांस नेशंस का ये शेवा है। जलसे सियासी वो इस तरह के नहीं है, जलसे दूसरे तरह के होते हैं, उसमें शोर शराबे भी हो सकता है, चीखा पुकार भी हो सकता है, नारे भी लग सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा कि जो डिसिप्लिन नेशन है और डिसिप्लिन में रह के अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात,
यहाँ पर सारे बहुत सारे सर्वर यहाँ पर शेख फरमा है हायर एजुकेशन कमीशन का एक अतना सामनेवर होने के नाते जो तब्दीली आई है एजुकेशन के हवाले से वो मैं आप सब दो चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये अर्ज करना चाहूँगा कि 2025 तक जो अवेलेबल नॉलेज है हम सब ने जितनी भी डिग्रियाँ ली है इंक्लूडिंग PhD वो ख़त्म हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। अगर मैंने 20 साल पहले PhD क्या है या कोई मास्टर डिग्री या जो भी मैंने क्वालिफिकेशन हासिल की है 2025 तक वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो केजा थी क्या कहता है जपनीज है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। अगर आप रोज कोई कोई नई चीज सीखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। अदरवाइज अगर आपने कोई सीखने की कोशिश नहीं की है जहमत नहीं की है जो आपने 10-20 साल पहले डिग्री ली है वो थीरीज खत्म हो जाएंगे। ये चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ जो नया सिस्टम आया है बहुत सारे साहिबान मेरे दोस्त टीचर साहिबान यहाँ तशरीफ लाए आपने भी पढ़ा होगा किताबों में उनके बारे में ये कहा करते थे पहले टीचर्स और लीडर्स अब वो खत्म हो गया है। टीचर्स और लीडर्स चेंज हो गया है इनटू व्हाट रीडर्स और लीडर्स वो लोग जो पढ़ेंगे जो नॉलेज हासिल करेंगे मल्टी डायमेंशनल इल्म हासिल करेंगे तो दे कैन बी लीडर्स जस्ट टीचर्स और नॉट लीडर्स। मैं उसकी मिसाल आपको देना चाहूंगा। मैं हायर एजुकेशन कमीशन का 5 साल तक एक अदर साल ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट रहा हूं। प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेज प्रिंसिपल्स के चंद नकाइस सामने आए वर्ल्ड बैंक के थ्रू उनमें क्या था लीडरशिप स्किल उनके अंदर नहीं पाया जाता था कम्युनिकेशन स्किल्स में वो कमजोर थे टाइम मैनेजमेंट में वो कमजोर थे गुस्सा आता था उनको एंगर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन चीजों की वजह से जब ये आइडेंटिफाई हुई तो फिर वर्ल्ड बैंक ने रकम दिया अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज डोनेटेड टू द हायर एजुकेशन कमीशन। उन्होंने ट्रेनिंग करवाया 188 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में इन चीजों पर। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने इन चीजों पर जोर देना है और फिर अपना आपको उस लेवल पर लेके जाना है। इस पीस ऑफ स्टडी के साथ साथ ही क्योंकि जो एजेंडा है वो सब साहिबान को ये बताया गया है आप अपना जो मैनिफेस्टो है वो बताएं। मैं कुछ सालों से यहाँ पर हूँ हायर एजुकेशन के बाद मैं यहाँ पर आया 2017 के बाद आज तक मैं रोड पे हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया जो मैंने मुझे सिचुएशन ऑब्जर्व किया जो मुश्किल ऑब्जर्व किया और हर जगह हर कोने में हर तबके फिक्र ये लोग ये बात करते थे कि जी इश्यूज है लेकिन मैं आज तक किसी को नहीं देखा तो इश्यूज के बारे में कोई हल भी निकाले। इश्यूज कहते रहने से इश्यूज बढ़ते हैं इश्यूज का हल नहीं होता। उसके पेश नजर चंद एक चीजें मैं आपको खिदमत में पेश करूंगा जस्ट मैं पॉइंट्स बता दूंगा और इस पर इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो फिर हम इस पर काम करेंगे। स्ट्रेटजी और इसका बैकग्राउंड बताने में टाइम लगेगा अगर किसी और दिन आप बुला सकते हैं तो फिर पूरा मैं इंटायर स्ट्रेटजी बुलेट पॉइंट्स में जो मैंने लिखा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा लेकिन फॉर द टाइमिंग टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से सिर्फ इश्यूज मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले जो इशू है वो हुंजा की सीट 2 सीट इन अकॉर्डेंस विद पॉपुलेशन उसके अलावा है अनएम्प्लॉयमेंट इन मार्जिनलाइजेशन इंक्लूडिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी है और हमें मार्जिनलाइज भी किया जा रहा है। उसके लिए क्या क्या लवाजमात है हमने क्या करना है वो लिखा हुआ है। उसके बाद है बिजली का मसला इलेक्ट्रिसिटी
वो आप सबके सामने आया है, हेल्थ केयर इश्यूज है, एजुकेशन एक और चीज, उसके बाद ये गौर से सुनिएगा प्लीज, एजुकेशन फॉर ऑल एंड फॉर ऑल क्वालिटी एजुकेशन। एक तो एजुकेशन फॉर ऑल 97% माशाल्लाह लिटरेसी रेट है, जो एजुकेशन फॉर ऑल है वो काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। What we got to do now from onwards is हमने क्वालिटी एजुकेशन पे कोशिश करना है ताकि हमारी बेटियां हमारे बेटे इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। तो बहुत चीज में आज का मौका है, दुनिया के 121 यूनिवर्सिटीज में हमजा की बेटियां और हमजा के बेटे तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं 3-4 महीने पहले अमेरिका से आया हूँ, ये वहाँ अमेरिका में बताया गया है। लिहाजा इंशाल्लाह अगर क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करेंगे तो आप लोग दुनिया के किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट से कम नहीं है, उस पर हम काम करेंगे। इसी तरह से सीपेक में $47 बिलियन पहले आए थे, अब $52 बिलियन हमें मिले हैं। इसी साहब ने यहाँ पर बात की है, 3 मुख्तलिफ प्रोविंसेस पे काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं हुआ, मुंजा में कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए मेरे पास स्ट्रेटजी है, हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, और इसको हम लिंक करेंगे आपकी स्किल इन्हांसमेंट और फिर इस तरह से हर लेवल के लोग लर्न करें और फिर अर्न करें, लर्निंग एंड अर्निंग, इस पर हम सीपेक को लिंक करेंगे। लास्ट 2 मिनट्स सर। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क, उसमें डेवलपमेंट वर्क के हवाले से बहुत सारी चीजें आपके सवालों में भी आया है, उसका पूरा स्ट्रेटजी बना हुआ है। फोकसिंग यूथ, आज तक यूथ के हवाले से कोई उनके लिए टेंजिबल प्रोग्राम बनाना, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी टैलेंट के मुताबिक यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजों पर इंशाल्लाह पूरा स्ट्रेटजी बना हुआ है और हम आपके सामने पेश करेंगे। Making accessibility to the far-flung areas such as Shimshar, Chikuzun Valley, and Biskar. किस तरह से सेंट्रल मुंजा के साथ हम एक्सेसिबल बना सकते हैं, इस तरह से लोअर मुंजा को किस तरह से हम एक्सेसिबल बना सकते हैं। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, इसमें एक नई चीज का हमने इजाफा किया है, मुंजा टूरिज्म अथॉरिटी, और बहुत सारे लोगों ने टूरिज्म के हवाले से बात की है, लेकिन टेंजिबल बात यह है कि जब तक हम मुंजा टूरिज्म अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, ये जमीनों का सिलसिला बिकता रहेगा, उससे लोग आते रहेंगे, यहाँ काबिज होते रहेंगे, उसके लिए एक टेंजिबल बैकग्राउंड बनाना होगा लीगली, जिसके मुताबिक हम अपने मुंजा की जमीनों को किसी और के हाथों जाने नहीं देंगे, अंडर मुंजा टूरिज्म अथॉरिटी। इसी तरीके से यहाँ मिनरल माइनिंग की बात भी मेरे दोस्तों ने की है, उसके आगे से जो हमजा माइनिंग एंड मिनरल अथॉरिटी बनाएंगे। आज आप सबको पता है गिलगित सरिया इस्लामाबाद से 5 साल के लिए चंद एक सिक्के खर्च करके लीज बना के आते हैं, और आप रिसोर्सेज वो सारे हमारे दोस्तों ने बात किया है, आपके रिसोर्सेज जो आपके हैं वो लेके जाते हैं। जब मैं 2 मिनट गुजारिश की सर आपसे। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर लर्निंग एंड अर्निंग, इसमें सीएसएस है, आर्मी के हवाले से है, पुलिस के हवाले से, जितने भी पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके हवाले से यूथ को एक बाकायदगी से कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना, ताकि वो उस मैटर में सबसे आगे आगे आ जाए। इस तरह से सर कॉमर्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कॉमर्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। We have discussed the game, which is very good. Sir, मैं नुमान साहब से बात है, बात एक सवाल नहीं करूँगा, ये तो सब पॉलिटिशियन से करूँगा। पहली बात ये है कि आपने जब अपना मंशूर पेश किया तो मंशूर को ग्राउंड लेवल किस को देखते हुए आपने पेश नहीं किया, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करेंगे, आप डेवलपमेंट अपने पैसों से करेंगे या आप अपने बजट से करेंगे। पहली बात यह है कि आपने अपने बजट को नहीं बताया कि आपका बजट है क्या और आप किस तरह काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने जहाँ तक सर ने कहा ब्रेन ड्रेन की जहाँ तक बात की,
प्रेगनेंट जाहिर बात है ये सारे स्टूडेंट हैं, मैं ये ज़्यादा सोच रहा था कि ये अपने मसाइल की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने पूरे हमजा के मसाइल की बात की। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ये स्टूडेंट, ये जितने चंद स्टूडेंट हैं, ये जब ग्रेजुएट होंगे तो इनके लिए ही जॉब कैसे क्रिएट करेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देखिए सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा बजट की, बजट जो एक कैंडिडेट को या एक रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा लेकिन चंदिस्तान में वो तो इक्वली मिलेगा, 8-10 करोड़ रुपए की बात है। और 10 करोड़ रुपए की डेवलप उस पैसों से जो एलोकेटेड है वो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, मैंने आपको बताया है। और फिर मैंने लिखा है कि कोई कोई चीज मेरे सही में होगा। याद रखें डेवलपमेंट के हवाले से, इतना सा डेवलपमेंट का स्टूडेंट होने के नाते आपके पास अगर टेंजिबल प्रोग्राम है, अगर आपके पास टेंजिबल प्रपोजल्स है, अगर आपके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिससे बहुत सारे आवाम को फायदा मिल सकता है, तो वो फंड्स मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी कोने से हम ये फंड्स आपको प्रोवाइड करके देंगे। Yeah, I was expecting you from PTI as a representative of PTI, but surprised. तो मेरा सवाल आप सबसे ये है, बल्कि राजा साहब भी बैठे हैं, कामरजान साहब भी बैठे हैं, मुंजा काउंसिल की बात हुई, एक्शन कमेटी की बात हुई, फिर कौमी इतिहाद की बात हुई, तो हम जैसे जो यंग लीडर्स हैं, आया हम किसको फॉलो करें? इलेक्शन करीब आते हैं, डिबेट कमेटीज नहीं होते तो हमें आज़ाद मिलता है, तो आप सब लोगों की सक्सेशन प्लानिंग क्या है? स्पेशली आप मोस्ट यू आर द सीनियर लीडर, तो सक्सेशन प्लानिंग की लीडर वो क्या है, आप उनकी स्ट्रेटजी की? इतने सारे जो यूथ ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, इतनी सारी वो चीज़ें नहीं, हाई लिटरेसी है, तो वी नीड प्लेटफॉर्म्स या वी नीड अ सक्सेशन प्लानर जो आज मुझे हुकूमत की जगह पहुँचाए। सो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ कि जनरल को आप सब की क्या, कौन सी ऐसी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आप जनरेट करेंगे जहाँ पे हम बैठे हैं? जी थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दिस इज़ व्हाट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, द क्वेश्चन यू पुट अक्रॉस टू मी, आई वाज़ रियली एक्सपेक्टिंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू पुट अक्रॉस टू मी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बेजोड़ सवाल है। सबसे पहले मुजैक्शन कमेटी के हवाले से मैं अर्ज करूँगा, उस वक्त भी हमारे ही साथियों ने, हमजा वालों ने मुझे ये ऑनर बख्शा था कि मैं एज ए कैंडिडेट सामने आ जाऊँ। अगर उस वक्त या उन दिनों में मेरे जहनी तौर पर तैयार नहीं था, और फिर मैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी करता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथियों ने और हमजा के मुतबरीन ने जब ये बताया तो मैंने सारा जॉब भी छोड़ दिया और फिर आई जंप इनटू द पॉलिटिक्स। फिर उस वक्त कामयाबी हासिल नहीं हुई, इलेक्शन में हार जीत होता रहता है, लेकिन कैंडिडेट मैदान में आता है जीतने के लिए। दूसरी बात, अभी जो आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, 2009 के बाद ये 2020 है, मैं अपना आप को एक वैलिड कैंडिडेट समझता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट से एक और पीस ऑफ एडवाइस में गुजारिश करूंगा, अगर आपको अपने अंदर अगर आप सेटिस्फाई है, अपने आप का अगर एतमाद है, अंदर से आप सक्सेसफुल के जरा जर्म्स को आप निकालते हैं, तो फिर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 11 साल के बाद, 2009 से लेकर अभी तक जब 11 साल के बाद, मैं ये समझता हूँ अब मेरा अंदर मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ा है, थोड़ा बहुत ग्रास रूट्स और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इलाके की पॉलिटिक्स के हवाले से भी थोड़ा बहुत मैं समझ चुका हूँ। और फिर तीसरी बात, 3-4 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया कि जितनी अवेयरनेस यूथ में आई है पॉलिटिकल सिनेरियो में, इससे पहले कभी नहीं आई थी। इसी तरह से हमारे जितने भी तबके फिक्र है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे नौजवान हैं, सबके अंदर ये फीलिंग आया है कि पिछले 40-43 सालों में हमें प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिली है, जिसकी वजह से आज हम जितनी भी बातें कर रहे हैं सब उस लीडरशिप के नहीं होने की वजह से है। लिहाजा आज उस फीलिंग के बाद मैं इस नतीजे पाया हूँ कि जो लोगों का एक डिजायर है, थर्स्ट है, दैट आई हैव द कैपेसिटी टू क्विच देयर थर्स्ट बाय लीडिंग देम ऑन द फ्रंट फुट, ये एक चीज मैं सोचने लगा हूँ। और फिर अपनों पर एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे थोड़े बहुत मैंने गेन किया है, वो मैं इन कमिंग ईयर्स में, सिर्फ 5 साल के नहीं, इलेक्ट हुआ तब भी नहीं हुआ तब भी,
मैं मुंजर के लिए, मुंजर के आवाम के लिए, बहन भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, अगर मैं इलेक्ट नहीं भी हुआ, मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बैंक के लिए मैंने कोई काम करना सर जी करके सोसाइटी से क्वेश्चन आएगी सर, लास्ट क्वेश्चन होंगे। सलाम अलैकुम। ये सवाल जो है सिर्फ आपसे नहीं है, ये सारा जो यहाँ कैंडिडेट लिस्ट है, आप लोगों में लीडर कौन बन के आया और कैंडिडेट कौन बन के आया? इसलिए कि लीडर लीडर आप उसके पीछे रोक जाते हैं, कैंडिडेट की कोई नाराज किसी को टिकट नहीं मिलता और कैंडिडेट बन जाता है। अच्छा किसी कोई कह रहा है मैंने 40 साल नारा लगाया, मुझे कैंडिडेट पूछा आवाम आपको वोट क्यों दे? A representative cannot be a leader, but a leader can be a representative. ठीक है सर। दूसरी बात, candidate is in the form of representative. अब ये है कि आपके सामने 31 जो candidates हैं, electables हैं, वो आप फैसला करें कि आप इन 31 में आपके सामने हम सब लोग आए हैं, आपके सामने हम मौजूद हैं, 7-10 मिनट ये काफी नहीं है मेरी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को परखने के लिए। आप मजीद डिबेट रखें, 1-to-1 रखें, प्रेजेंटेशंस रखें, इंटरनेशनल लेवल पे रखें, लोकल लेवल पे रखें। उसके बाद आप जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि या दिल का, तशखीस का, इलाज या वुदू का,
कोई सहूलत मौजूद नहीं है। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मेरे पास पैसे भी थे, मेरे पास सहूलत भी था, मैं सीमेंट में जब दाखिल हुआ तो मैं रोया, मुझे फील हुआ कि गरीब मेरे साथ इस रूप में गरीब साथ क्या हुआ। मैंने उसी गुस्से में जाके मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त जो नजीब साहब थे आपका दिल्ली के, उनको मैंने शिकायत की। उसके बाद मिनिस्टर साहब हमारा रिश्ता है अपना सचिव साहब थे, फौरन मैंने रख दिया था। मैंने दो बंदों को अपॉइंट कराया क्योंकि आपके पास हैदराबाद में वो 6 करोड़ का जदीद मशीनरी मौजूद है चलाने वाले वगैरह को नहीं कोई। उसमें मैंने दो बंदों को अपॉइंट कराया ताकि वो मशीन की सफाई तो हो जाए डायलिसिस की, ठीक है। तो सॉरी अगर कोई गलती हुई ना, यूथ के लिए कौन सा आपने कारनामा किया? यूथ के लिए सबसे पहले वोकेशनल सेंटर्स होने चाहिए, हर किस्म के टेक्निकल हर चीज उसमें सारा चीजें तैयार होने चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट का क्या है, हर एक हमें दबाते हैं। मैं बड़ा अफसोस से कहता हूँ कि नगर से लेके यानी किलोमीटर है उसमें 60 लोग खुली लगे हुए हैं, शिमशाल से लेकर चिकुरसा तक उसमें 6 लोग। क्या करें यार, हम जब कहते हैं तो फिर कुछ वो करना पड़ता है, नहीं कहते तो उस हिसाब से। तो इस तरह अभी आगे 1 करोड़ 1 मिनट चाइना का सबसे इम्पोर्टेंट ये गेटवे, इस आपने क्या सोचा है? सबसे पहले जब यहाँ पे ज़ियाउल हक आया था 1886 में, हमारे साथी मौजूद थे हजरत मोहम्मद, जिसने कहा जब इस तरह महफिल था तो हजरत मोहम्मद जज्बातियों के शेर था ज़ियाउल हक, ये मुझे याद है। उधर से पुलिस वालों ने इनको अबू 86 में अब उधर लोगों को टार्सन में डाल दिया, जब ये क्या करने से डाले गए पहले कर दी। अब उधर वालों ने भी वो अवेयरनेस होने चाहिए, अगर हम अगर मैं मुझे वो नहीं चाहिए, अगर आप मेरिट पे करते हैं आप पैसे नहीं देते। सैलाब और चश्मे में फर्क है, एक आदमी आता सैलाब एक दिन के लिए आता है, चश्मा पैसे को मैनेज करो, आप अपना फ्यूचर है, ठीक है कि नहीं। बगैर किसी का फ्रेंड में मत बैठो, पहले किसी को पता करो, आपने कराची जाना, मेडिकल जाना, कनाडा जाना, वो टिकट खरीदो फिर उसमें बैठो, उसके बाद आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर आप नीचे करेंगे अल्लाह पैर खाओगे पिए गए उसके बाद किया, ठीक है ना। मैं कहा अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर की जो बातें मैं ओरिजिनल बातें तो आपको उसके बाद हमने 3,000 और 1,500 अब मेरा मुझे यह है कि सबसे पहले हमें चाइना ताशुबान और हिंसा के दरमियान सिस्टेंसी बनानी चाहिए, यह हमारा हक है। जिस तरह प्रधानमंत्री जैसे अभी हिंसा हो रहे क्या कहते हैं हरिपुर के दरमियान क्यों होने चाहिए? तो माइनिंग के रेलिवेंट में मेरा एक सवाल है आपसे। तो माइनिंग के जो जी वी मेन कश्मीर एक 1960 के कवानीन लगते हैं यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं कि पिछले इतने सालों में ये सिस्टम ही पूरा रिटायर्ड और डिस्कार्ड हो चुका है, या कवानीन की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने कुछ स्टूडेंट को मैं विजिट के लिए मैं चुपुर से लेके गया, वहाँ पे इलीगल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मिनरल्स की। आपने यहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने जज्बात भाई आपने बड़ी अच्छी बातें कही। तो पिछले लास्ट एक साल से जो एक्सप्लॉयटेशन इलीगल हो रही है जी वी पे, आपने क्या एक्शन लिया हुआ है? अगर आप इकतदार में आ जाते हैं कल को तो आपके पास क्या लीगल जी जो कश्मीर एक 1960 की जो कवानीन लगते हैं यहाँ पे माइनिंग के हवाले से उसमें क्या एमेंडमेंट्स आप ले आ सकते हैं जरा हमें? थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया माइनिंग का। ये फॉर योर इंफॉर्मेशन 1983 में हमने लीज किया, मेरे वालिद साहब किसी को अवेयरनेस नहीं था, मेरे पास वो लीज पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन किया चिपुरसन के बारे में, चिपुरसन का मतलब पूछो मत चिपुरसन का जी ये अफ्तम रुजा मिल गया रुजी ना मिला रुजा ये बात। अब गलती जो इंसान गलती करता है जो इंसान गलती करता है इसमें चिपुरसन वालों ने
जो हाँ जो आपने भूल को किया अच्छा पहुंचे किया कि सियासी आदमी को जब सियासत में कोई नुमाइंदा आता ना उसमें मजहब इन्वॉल्व यहाँ पे जो है कागजात नाम पीजी है और उसके बाद में राकून कांग्रेस के सीनियर डॉक्टर अहमद साहब जितने भी सियासी सामाजिक शेर साहब और स्टूडेंट यूथ मीडिया के पर्सन साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम क्योंकि थोड़ा सा टाइम दिया हमें उसकी बेनिफिट सबसे ज़्यादा मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं कम बोलने वाला हूँ मैं अभी काम करता हूँ बोलता कम हूँ काम ज्यादा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज मुर्जा अपनी एक तारीख रकम करने जा रही है क्योंकि हम भी इस रियासत पाकिस्तान में रहते हैं हम रियासत से हट के कहीं और कोने में नहीं रहते हैं हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने बाबा ने इस सरजमीन के लिए कुर्बानी दी है उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो आज दिन तक हमें यही याद ताज़ा कराते कि हम फखर से कहते हैं कि हम जान देने वालों में से इस सरजमीन के लिए रही बात अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आए सियासी वाबस्ती जिनकी थी मेरे चाहे वो पीपल पार्टी हो नून लीग हो उनका जो किरदार रहा है उन पर हमने अभी बात करनी हुई है वो अपना किरदार उनका खुद वादा हो जाएगा किसी की दिल आजादी का नाम यहाँ नहीं आए जब हमें स्टूडेंट ने बुलाया तो स्टूडेंट की क्या जरूरत है उनकी क्या सोच है वो हम उनसे सुनेंगे और उनकी सोच के मुताबिक चाहे वो हमें भी नसीहत करे हम उसको सोच को लेके आगे जाना चाहते हैं सबसे पहले मुंजा को भी इतिहास बनाने का मकसद यही है कि हम तीन हिस्सों में बटे हुए कोई कहते ये शिनाजी का है कोई ये कहता गोजाल का कोई ये कहता हुंजा का है जब हम सब इस हुंजा के सरजमीन धरती के वफादार है तो फिर ये कहाँ से आया शिनाजी कहाँ से आया हुंजा कहाँ से आया गोजाल सबसे पहले तो हम इस चीज को खत्म करना होगा कि हम एक दूसरे के सहारा बन के जब मैदान में नहीं आएंगे तब तक हमारी जरूरत और हमारे मुश्किल दरख्याल कम नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्द वाहिद की सरजमीन से निकला था 35-33 साल हो गए मुझे कराची में जब इंसान अपने मजबूती और ताकत के साथ मैदान में जाता है कामयाबी उसकी खत्म हो चुकी है लेकिन कामयाबी के लिए मेहनत चाहिए चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो फार्मर है चाहे वो ताजिर है किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फखर से कहता हूँ कि जिस बलिस्तान का मैं पहले से जानकार हूँ यह आप लोगों को फखर होना चाहिए कराची के अंदर मेरी तालीम कम है लेकिन मेरी सोच जो है ना एक तालीम अफ्ता से ज्यादा है मैं 22 ममालिक में इस वक्त घूम चुका हूँ मैं उनकी सोच देखता हूँ तो मुझे शायद एक डिग्री मिल जाती है उस सोच को फिर ले जाके आप उस सोच के मुताबिक किसका सोच अच्छी है किसकी सोच बुरी है उसके आपने सोचना है बात आई यहाँ हमजा के मसाइल की इतना अरसों से ये मसाइल हल नहीं हुए तो आज मैं आज आपको क्या मसाइल हल करूँगा बेशक एक दौर ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह जो आप आज वफा कहते हैं कि मैं सुबह बना के देता हूँ तो सुबह के अंदर जो हमारी जरूरत थी दो सीटों की वो नहीं हुई आज तक नहीं हुई वो कमजोर किसकी है जब पीपल पार्टी आ जाती है पीछे से कहती है कि नहीं अब बाहर निकालेंगे उसने भी खत्म किया फिर नून आ गया जी वो बाद में हमें उनको लुटमार दे रहा है कि आज उन्होंने जो है ना ये आपके कपल से अनाज ही बांटना है वो करके गई उस साधन का पते की बार ये जितने भी हमें धोखे दे के जा रहा है उन धोखों से हम बेजार हो हमने कहा अपना कौम के अगर कुछ कर रहा है तो सब मिल के मैं अकेले नहीं काम कर रही जितने भी हमारा भाई है मुर्दा में जो भी रहते जो भी ऐसे रखते उनकी सोच हो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अमजद भाई ने जगाया दास जब हमारा चिंबरा का अमृत बन रहा था तो उस पर उन्होंने तकलीफ की सरेना में आपने कराची में नहीं रहना आपको हुंजा में विजिट करना तो मैं हुंजा में आया सोच लेके अल्हम्दुलिल्लाह अभी नस्ले वालों के साथ मेरे एक एग्रीमेंट है जिसमें 500 से 600 आदमी को रोजगार मिलेगा
उसके नाम में होटल का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद मेरा कोई 92 रूम के होटल बन रहे, वहां पर रोजगार मिलेगा। तीसरी बात, हुकूमत से लेने के लिए एक फंड वाइज का काम है, तो दूसरा वाले आगे कर उनको देखो, चाहे नगर के भाई है चाहे जिंदगी के भाई है, कोई भी है, उसके पीछे दो बाजू होते हैं, वो अकेले लीडर नहीं जाता। जब उसके पीछे जाते लीडर के पीछे, उसका काम हुकूमत जो आपको करके देगा क्यों करके नहीं देगा, वो करके देगा। लेकिन हमारे यहाँ कमजोरी क्या है, एक अवॉर्ड दे रहे हम कहते चावल खा के चाय पी के एहसान कर तुम वोट दे के जाओ, नहीं, वो इस तरह आगे नहीं बढ़ती है। वो उस लीडर के साथ एक जबान होकर जब आगे जाएगी तो शायद आपका काम हल न होना सवाल की जाएगी, क्योंकि ये लीडरशिप अलहमदिल्ला देखो उनसा में मिलकर 100% तालीम, लेकिन उस तालीम के लिए क्या सोचा, उन बच्चों को जो पढ़ के बाद में उनको कहते कि नहीं आप घर में बैठे, फिर वही लीडर को डालते एक रिटायर हो ऑफिसर हो रिटायर हो फिर उसका 70 साल। मैंने आज ये कोशिश की है कि हुंजा के जितने भी यूथ है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके मैं हुंजा की यूथ से लीडरशिप निकाल देता हूँ, ये मेरा वो वादा है। आज के दिन मैं कहता हूँ अगर कोई मेरा लीडर बनने के लिए तैयार, मैं उसके दो बाजू बन के उसके साथ खड़ा रहूंगा। आइए आपके यूथ से लीडरशिप निकाले, इस हुंजा को इसकी हुंजा की जो तहरीम है उनको दूर करने का अपना किरदार अदा करें। बुजुर्गों ने जो हमारे किया उन्होंने वो किया, आज यूथ की काम है, यूथ खड़ा होगा तो इंशाल्लाह उनका काम कोई मुश्किल नहीं होगा, पढ़े लिखे कौम है वो अपना काम निकाल सकते हैं। रही बात तीसरी बात जब आते तो मैं जाती तौर पर अगर खेलना आया हूँ तो ये सारा दोस्तों का फैसला था, मेरा अकेला फैसला नहीं है। आज मैं दावा देता हूँ कोई मेरे से भी अच्छा लीडर है अगर उसको आप कहते हैं कि यह हमारे मुस्तकबिल के अच्छे, मैं उसके साथ एक तैयार हूँ, कोई लालची आती नहीं। तीसरी बात, अगर मैं मुंतखब होगा इंशाल्लाह तो मैं जो मेरे फैसिलिटी सरकार दे रहे मैं इस यूथ को दूंगा, जो स्टूडेंट को दूंगा, मेरी तनख्वाह होगी जो भी बढ़ा करके मैं इस यूथ पर इस्तेमाल करूंगा, स्टूडेंट को इस्तेमाल करूंगा। मेरे घर पेट्रोल नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, वो इंशाल्लाह लेकर इस यूथ को दूंगा और यूथ आगे जाएगी वो तरक्की करेगी। तीसरी बात, यहाँ कहते हैं 100% तालीम है, सीएसएस में देखो हमारा कोई नौजवान नहीं, मैं आप लोगों से मेरा किला है क्यों नहीं, मैं अगर कोई ऐसा फर्जन दिखा होता है उसके जितने भी अखराजात होगा वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि टाइम की कमी है, मैं ज्यादा उनका टाइम नहीं लूंगा, बातें बहुत सारी कहते हैं। जब आज हम देखते हैं उस स्टेज के अंदर मुझे आज कोई फीमेल नजर नहीं आ रही, चौथे रोज तक कोई लड़की बैठी हुई नजर नहीं आ रही मुझे। हमने बेशक हम बात करते हैं कि हमने वुमेन को एम्पावर किया है हुंजा के अंदर, एजुकेट करना काफ़ी नहीं है, हमें उस स्टेज तक उनको लेके जाने के लिए आपके मंशूर में क्या आपने जेंडर मेनस्ट्रीमिंग को अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है? और यही मेरा सवाल जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं उन सब से है कि जेंडर के लिए वो क्या करेंगे, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के लिए उनके मंशूर में क्या प्लान्स हैं? मेरे बच्चों को मैं तरजीह देता हूँ, इतना मर्दों को नहीं देता हूँ, वो हमारे जिंदगी के आधार से आए मैदान में, ये आज अपना सीट खाली करके मैं वादा करता हूँ आप मेरे से लड़ा तो मैं ये आज देता हूँ। क्योंकि मैं एक हुंजा का बाशिंदा हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, अवाम नास में 40-45 साल बिलवास्ता बिलावास्ता रह चुका हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हुंजा को करीब से जानता हूँ, हुंजा की मसाइल को बहुत गहरा स्टडी है, और मेरे दोस्त ने एहसान साहब ने कहा 13 इलेक्शन हुआ है, 11 हुंजा को नसीब हुआ है, यकीनन नसीब हुआ है, लेकिन उसकी सम्राट और उम्मीद और तमन्ना लोगों की तनीज में लोगों की आवाम की
दहेज में नहीं हो पहुंचा, इसलिए आज तक अवाम गुंजा अवामी नुमाइंदे की सम्राट से, उनके क्यादत से, उनके डिलीवर से महरूम है। मैंने इसलिए आज आपको खड़ा किया कि मुझे लोग इत्माद में लेंगे और मैं उनको उनकी इत्माद को ठेस नहीं पहुंचाऊं। और मुझ में क्या खूबी है, मुझ में यह खूबी है कि मैं झूठ नहीं हूं। हाजर बहुत सालों में नौजवानों में स्टूडेंट के वक्त में कॉलेज के वक्त में मैं बड़ा एक्टिविस्ट था। पूछे आप दोस्तों से, मीडिया से पूछे, दोस्तों से पूछे, और खेलकूद में मैं बड़ा हिस्सा लेता था। साथ में सियासत में भी मैं कोई ऐसा मवाद नहीं थी, ऐसे फैसिलिटीज नहीं था, पैदल और नंगे पांव में चला पढ़ने के लिए निकला हूं। मैं उस गरीब बाप को, उस गरीब बस्ती को, उस गरीब उनका के कयूर आवाम को और वादिन को मैं गा देता हूं कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए तरली। मुझे 18 साल हो रहा है, बाली होते हुए मैं उनका के हर बिल वास्ता बिना वास्ता वापस दी नहीं कौन से हुई है। बहुत ज्यादा मेरा भूचाल से हुआ, बहुत कम हुंदा के मामला में हुई है। हुंदा चलो, फलान चलो, बस्तान चलो, थाना चलाओ, आज वो क्या नाम है, एक्शन चलाओ, उन तमाम चीजों में या हमें कत्ल कर जो रास्ते में मजहब के नाम से किया, मैंने अपने हिस्सा डाल दी। 1987 में जो एक लश्कर आई थी उसमें हमने अपने किरदार अदा किया एज ए नौजवान। आपको मालूम है 11 साल में आपके पास जो लोग आए थे वो दो किस्म के थे, अभी 3 किस्म के कैंडिडेट आए हैं। पहले 7-8 राजपूत आते थे, कुछ लोग मजहबी और दूसरे जगहों में खिदमत करके उसकी एहसानात आपको डालने चाहते थे, जो वफाकी पार्टी में किशन। आपको मालूम है मेरा ताल्लुक एक वफाकी पार्टी से 45 साल वाबस्तगी रही। मैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अहदेदार रह चुका हूं, उसकी बेहतरीन कारकुन रह चुका हूं, उसकी पैदाश कारकुन रह चुका हूं। मुझ पर कोई बात नहीं है, ये मेरी चैलेंज है। अब सवाल ये है कि अवाम और इलाके की, मैंने बहुत सारे काम अपने कौम के लिए, कौमी वसाइल के लिए, कौमी दौलत के लिए और कौमी असासा के लिए, एक्सिस के लिए बहुत काम किए। वो काम कौन सा है आपका मालूम है? शीश करता पहुंच गया होगा कंजर्वेशन, जिसे कैवियो है, खैबर है, फुलकिन है, इसमें मेरी फुल फ्लैग यानी फाउंडर के किरदार अदा किए हैं। बहुत बड़ी कुर्बानियां मैंने दी है। मेरे दोस्त ने कहा उनके की जमीन कचरे की बाहों में जमीन बिकती है, कमीशन के लोगों के हाथों में, मुफारिस के हाथों में, यकीन 10-15 साल बाद आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? बगैर जमीन के होगी, बगैर घर के होंगे, बगैर शादी के होंगे। मैं आपको बताता हूं, आपको जदीद सच्चा आपस में तारुफ नहीं होगी, उनसे की नुमाइंदगी महरूम का शिकार रहेगा, अफसोसों का शिकार रहेगा और दुखों और प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मैंने आपके लिए अच्छे लीडर दिया था, नजीर साहब
अगर वोट नहीं दिया, मैंने मुसलसल आपके साथ रहना है, मैंने काफी बार